हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन क्रिकेट टिप्स में। भाई लोग, आज इस स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 33वें मुकाबले के बारे में। कहां पर होगा मुकाबला, कैसा रहेगा पिच, कौन सा टीम किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है, सारी जानकारी आपको इस स्टूडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल सचिन क्रिकेट टिप्स को ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को बड़े ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में, तो स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट मैसेज करो, वहाँ से भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा दूंगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको टॉस, मैच, सेशन, गुड एक्यूरेसी के साथ सब कुछ फ्री देखने को मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम फ्री प्रेडिक्शन के साथ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए जल्दी से ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल सचिन क्रिकेट टिप्स को। साथियों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 33वां मुकाबला इंडिया वर्सेस कनाडा के बीच में खेला जाएगा और यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 15 जून रात के 8 बजे से देखने को मिलेगा और मुकाबला सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड लाउडर हिल फ्लोरिडा में खेला जाएगा। दोस्तों, इन दोनों के लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कनाडा ने 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले में जीत और 3 मुकाबले में से हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया को 5 के 5 मुकाबलों में जीत मिली है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों की पॉइंट टेबल के बारे में। यहाँ पर भारत ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें से इसे तीनों ही मुकाबलों में जीत मिली है और पॉइंट टेबल पे 6 पॉइंट्स है, और वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने भी अब तक 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें से इसे 1 मुकाबले में जीत और 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट टेबल पे 2 पॉइंट्स है। अब बात करते हैं इन दोनों के लास्ट 10 मैचेस की टीम कंपैरिजन के बारे में। यहाँ पर कनाडा के जीतने के चांसेस 40% है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया के जीतने के चांसेस 90% है। एवरेज स्कोर के बारे में बात करते तो 159 रन कनाडा का और 159 रन इंडिया का भी है। हाईएस्ट स्कोर के बारे में बात करते तो 199 रन कनाडा का और 212 रन इंडिया का। लोवेस्ट स्कोर के बारे में बात करते तो 106 रन कनाडा का और 97 रन इंडिया का है। वेन्यू की बात करते तो सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड लाउडर हिल फ्लोरिडा रहने वाला है। अब बात करते हैं वेन्यू स्टेट्स के बारे में। यहाँ पर पिछले 16 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करके 56% मुकाबला जीती है और पहले गेंदबाजी करके 31% मुकाबला जीती है। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 165 रन, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 129 रन, हाईएस्ट टोटल इस मैदान पे 245 रन है, लोवेस्ट टोटल 81 रन, हाईएस्ट टचेस इस मैदान पे 179 रन किए गए हैं और लोवेस्ट डिफेंड इस मैदान पे 120 रन। अब बात करते हैं लास्ट 10 मैचेस के पिच रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर पिछले 10 मुकाबले में तेज गेंदबाजों ने 64 विकेट लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्पिन गेंदबाजों ने 54 विकेट लिए हैं। ऐसे में इस वेन्यू पर आपको तेज गेंदबाजी ज्यादा हावी देखने को मिलेगा स्पिन गेंदबाजों के मुकाबले। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी प्रेडिक्शन टॉस मैच सेशन के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल सचिन क्रिकेट टिप्स को। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक से ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल और इस वर्ल्ड कप और हर लीग में अपना ड्रीम पूरा कर लो मेरे भाई। तो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।